नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। चीन और अमेरिका मिलकर सिखाएंगे उत्तर कोरिया को सबक। उत्तर कोरिया के मसले पर चीन के रवैये से खुश हुआ अमेरिका। मामले में सकारात्मक सहयोग के लिए की सराहना। फ्रांस के राष्ट्रपति बन सकते हैं इमैनुअल मैक्रो। राष्ट्रपति ओलांद ने लोगों से की मैक्रो का समर्थन करने की अपील। दक्षिण पंथी नेता मैरीन ला पेन ने मजबूत दावेदारी के लिए नेशनल फ्रंट से दिया इस्तीफा। अमेरिका तक पहुंची कश्मीर में पत्थरबाजी की गूंज। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय सेना की कार्रवाई को बताया गलत। कहा, सेना ने की बर्बरता, इससे आतंकवाद को मिलेगा बढ़ावा। सीरिया के खान शेखुन शहर में सेना ने बरसाए बम। विस्फोट में एक बच्चे सहित 7 नागरिकों की मौत। कुछ दिन पहले भी किया था रासायनिक हमला। रूस के दागिस्तान में एक स्कूल में फटा ग्रेनेड। ग्रेनेड फटने से एक की मौत, 11 छात्र घायल। एक छात्र चुपके से स्कूल में लेकर आया था ग्रेनेड, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पाकिस्तान में एबटाबाद जिले के शिव मंदिर में पूजा कर पाएंगे हिंदू। 20 साल बाद कोर्ट से हिंदुओं को मिली शिव मंदिर में पूजा अर्चना की इजाजत। संपत्ति विवाद की वजह से धार्मिक गतिविधियों के लिए लगा था प्रतिबंध। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।